दोस्तों असम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनकी आंखों के नीचे सूजन रहती थी और उनके शरीर पर एलर्जी भी थी, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर उस भाई ने हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस भाई ने बताया कि वो पूर्ण रूप से चंगे हो गए हैं। अब वो बहुत खुश और आनंदित है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से ही आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 27 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लगाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आमीन। दोस्तों असम में परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी हो। हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में अविश्वासी नहीं बनना है बल्कि हर एक बात में विश्वास करने वाला बनना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला बनना है। दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और चेले तितर बितर हो गए, परंतु तीसरे दिन यीशु मसीह फिर से जी उठे और यीशु मसीह चेलों पर प्रकट हुए और यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की, परंतु उस समय थोमा उनके साथ में नहीं था। जो कि प्रभु यीशु मसीह का चेला था थोमा, वो उनके साथ में नहीं था, वो कहीं अलग था। और बाकी चेलों को यीशु मसीह दिखाई दिए, उन्होंने बातचीत की, वो बहुत खुश हो गया, आनंदित हो गए। इस सूचना को लेकर बाकी चेले थोमा के पास गए और उन्होंने थोमा से कहा कि प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हो गए हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। तो थोमा ने कहा कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों पे उंगलियां न डाल दूं और उसके पंजर पे हाथ न डाल दूं, तब तक मुझे इस बात का विश्वास नहीं होगा। और कुछ समय बाद जब एक दिन वो लोग एक रूम में इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित हो गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, और थोमा भी वहां उस समय उपस्थित था। तो प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि थोमा इधर आ और मेरे हाथों को छू, मेरे पंजर को छू, मैं जीवित हो गया हूं। और इस पर थोमा डर गया और उसने कहा हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, दूसरे शब्दों में कि उसने क्षमा मांगी होगी, प्रभु मुझे माफ कर, तू तो मेरा परमेश्वर है। तब प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि थोमा अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। हाँ मेरे प्रियों, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, परंतु धन्य हैं वे लोग जिन्होंने मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूं। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। दोस्तों परमेश्वर का वचन आज शाम में हमसे भी कहता है अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले बनो। जब थोमा को इस बात का पता था कि यीशु मसीह तो अब मर गए हैं, उसने उस बात को सोचकर इस पर विश्वास न कर सका कि यीशु मसीह फिर से जीवित हो गए हैं। वो विश्वास न कर सका इस बात पे, परंतु फिर उसने विश्वास किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे सत्य दिखाया। दोस्तों बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना, तो आपको चाहिए कि आप विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। और बाइबल कहती है परख कर देखो कि मैं कितना भला हूं। हो सकता है आप भी थोमा की तरह अविश्वासी हो गए हों, हो सकता है आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हों, परेशानियां हों, जिनके कारण अब आपको विश्वास करना नामुमकिन हो रहा है, विश्वास में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। या फिर हम में से बहुत से भाई बहन भी हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं कि जब मैं अपने जीवन में चमत्कार को देखूंगा तब मैं विश्वास करूंगा। बहुत सारे कहते हैं जब मैं चंगा हो जाऊंगा तब मैं विश्वास करूंगा, तब मैं यीशु के पीछे चलूंगा, तब मैं चर्च जाऊंगा, तब मैं बाइबल पढ़ूंगा, तब मैं प्रार्थना करूंगा, पहले मेरे जीवन में यह हो जाए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। आप अविश्वासी की तरह न कहें बल्कि विपरीत परिस्थिति में उस पर विश्वास करें। उस समस्या के समय, उस दुख के समय, उस बीमारी के समय भी आप उस पर विश्वास करें, विश्वास करें। और जब आप विश्वास करेंगे तभी तो आपके जीवन में कार्य होगा, क्योंकि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास के आप परमेश्वर
से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। yes. और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि पहले मैं ठीक हो जाऊंगा फिर मैं विश्वास करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले विश्वास करना होगा, फिर परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप अविश्वासी न बने, बल्कि आप और ज्यादा विश्वासी बन जाएं। आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, चर्च जाएं, संगति में रहें और खुशी रहें, आनंदित रहें, प्रभु के करीब जाएं, इस विश्वास, इस आशा के साथ कि परमेश्वर आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको इस बीमारी से बाहर निकालेगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बने, अविश्वासियों के जैसे हरकत न करें बल्कि विश्वासियों के जैसे चलें, अविश्वासी की तरह बैठे न रहें बल्कि विश्वासी की तरह विश्वास का कदम बढ़ाएं। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, और आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी जिन्हें आप देखते हैं कि उन्हें प्रार्थना की जरूरत है। सो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में और उन लोगों के जीवन में देंगे जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते पिता, अपने मुंह को खोल कर तेरी तारीफ करते प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। लॉर्ड फादर तेरी तारीफ हो प्रभु, हमारे मुंह से प्रभु तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू सच में पिता, तू परमेश्वर हमारे लिए मारा गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से तू जीवित हो गया प्रभु, तू जिंदा और जीवित प्रभु है खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन आप जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर, जो हमसे प्यार करता है, आप जो हमें अपने गले से लगाता है प्रभु, सच में तेरे जैसा कोई नहीं पिता, जिसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बनाया पिता, तेरा धन्यवाद कि सच में प्रभु तू महामहिम के दाहिने विराजमान है उस पवित्र सिंहासन में मेरे खुदा। और पिता सच में मेरे खुदावन स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है पिता। धन्यवाद कि तू हमारी मुक्ति का सींग है पिता, तू ही तो हमारा उद्धारक है, तू ही तो हमारा हमसफर है, तू ही तो शारोन का गुलाब है पिता। धन्यवाद आज की शाम में प्रभु हम तेरे उपस्थिति में आते हैं खुदा, और तुझसे प्रभु अपने हर एक गुनाहों की जो आज दिन भर में हमसे हुए हैं, बीते समय में हुए हैं पिता, हम उन सारे गुनाहों के लिए आपसे माफी मांगते खुदा, क्षमा मांगते हैं खुदा, क्योंकि आप क्षमा करने में प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है पिता। आप अपने लोगों के गुनाहों को माफ करें, उन्हें पाक साफ करें, अपने लहू से धोकर उन्हें नया करें पिता। धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर आज शाम में हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये सुंदर संगति आपने हमारे जीवन में दी है पिता, हम सबको आपने एक संगति दी है प्रभु, और इस संगति में आपने हमें इकट्ठा किया है, क्योंकि आपने कहा है जहां एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं। यीशु राजा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इस बात के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हम सबको प्रभु उद्धार दिया है, हम सबको अनंत जीवन दिया है। धन्यवाद कि तूने हम सबसे प्रेम किया है लॉर्ड। धन्यवाद कि तू हमारा रक्षक है, हमारा चंगा करने वाला प्रभु है। धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर अटल वचन के लिए, तेरे स्वर्ग से ताए हुए वचन के लिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरे खुदा ये वचन प्रभु पिता सिर्फ हम सुनने वाले ही नहीं प्रभु, तो इस पे चलने वाले हो सके। हाँ पिता, ये वचन हम सबके जीवनों में फलवंत होने पाए कि प्रभु हम अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बने। हालेलुया, अब चाहते हैं हर एक जन प्रभु आपके पीछे विश्वास के कदमों को बढ़ाए। हाँ प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए जो इस सब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, अपने परिवार के संग में प्रभु एकांत में प्रभु जी सब मिलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इन सबको ब्लेस करे प्रभु, आशीषित करे पिता। लॉर्ड प्रभु जो आज ही आशा लेकर आए हैं मेरे खुदावन, उन आशाओं को आप पूरी करें मेरे खुदावन यीशु मसीह। जो भी निवेदन लेकर आए आज ही खाली हाथ ना जाए परंतु पिता परमेश्वर हर एक अपने प्रार्थना का उत्तर प्रभु तुझसे लेकर जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपसे प्रार्थना है यीशु मसीह, जैसे आपकी मर्जी मेरे प्रभु
स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही आज हम सबके जीवनों में आपकी इच्छा, हाँ मेरे प्रभु, पवित्र प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु विपरीत समय में भी प्रभु आप विश्वास को उत्पन्न करें मेरे खुदा, कि ये प्रभु हर एक संकट में, हर एक परेशानी में, हर एक दुख बीमारी में प्रभु तुझ पर विश्वास रखकर आगे बढ़ सके। खुदावंद जब प्रभु जी इन भाई बहनों के लिए विश्वास करना प्रभु मुश्किल हो रहा है प्रभु, ऐसे समय में पवित्र आत्मा की आप इन्हें शक्ति और सामर्थ्य से भरे मेरे खुदा, ताकि प्रभु इस विपरीत समय में प्रभु जी ये पिता आप पर विश्वास कर सके। प्रभु जब ये हॉस्पिटल्स में खुदावन, जब इनका प्रियजन हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर, जब प्रभु इनके पास कोई भी जॉब नहीं है पिता, और बहुत ज्यादा कर्ज इनके ऊपर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं प्रभु, रिश्ते टूटे हुए हैं प्रभु, लड़ाई झगड़ा और कलेश और अशांति है इनके जीवन में प्रभु, ऐसे समय में जब प्रभु विश्वास करना मुश्किल इनके लिए हो रहा है, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कि जब तुम निर्बल होते हो तो मेरी सामर्थ तुम में सिद्ध होती है। मेरे प्रभु आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से इन्हें भरे, ताकि पिता इस निर्बलता में भी प्रभु ये विश्वास करके तुझ में आगे बढ़ सके, और इन परिस्थितियों में भी प्रभु ये विजयी हो सके। पिता धन्यवाद कि अपने प्रार्थना का उत्तर तुझसे पा सके, ये कर्ज मुक्त होने पाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने पाए, अशांति दूर होने पाए प्रभु जी, बीमारियां दूर होने पाए, और प्रभु ये सब तुझ में लिप्त रहे, और प्रभु हर एक अविश्वास को छोड़कर विश्वास के कदम को बढ़ाकर तुझे प्रसन्न करने वाले हो सके। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ ये शाम प्रभु यीशु मसीह, जो आपने हमें दी है कि प्रभु हम तुझसे अपने मन की बातों को खुलकर कहें, आज आप सब मिलकर अपनी बातों को यीशु मसीह से खुलकर कहने लगे, आप बोलने लगे प्रभु ये मेरे जीवन में समस्या है, ये मेरे घर में समस्या, हालेलुया, मैं नहीं जानती पिता इस समय इन बहनों के जीवन में, इन भाइयों के जीवन में, नौजवान बुजुर्ग बच्चों के जीवन में क्या परेशानी है, परंतु यीशु नासरी आप जानते हैं लॉर्ड, इसी समय आप इन्हें छू लीजिए प्रभु, और इनके जीवन की हर एक परेशानियों को दूर करें। आज की शाम में प्रभु जो बीमार है मेरे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी वो शिफा को लेकर जाएं, यीशु के नाम से आज वो चंगाई को लेकर जाएं पिता, यीशु तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया है और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया है। थैंक यू फादर प्रभु कि आज प्रभु अपने बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों की हर एक दुर्बलता को अपने ऊपर ले लिया, और उनकी हर प्रकार की बीमारी को आपने उठा लिया लॉर्ड, आपने इन्हें शिफा दी लॉर्ड, आपने इन्हें चंगा किया लॉर्ड, आपने इनके घावों को चंगा किया लॉर्ड, आपने इन्हें पीढ़ियों के चलने वाली बीमारियों से छुटकारा दिया लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद, कोरोना वायरस से आपने इन्हें छुटकारा दिया मेरे प्रभु, जिन लोगों की रिपोर्ट्स गई है खुदा, उनकी रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम से मेरे खुदा, इसी समय प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने छुआ और चंगा किया मेरे प्रभु, आज की शाम में आप हर एक जन को मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे, बुरी बातों से छुटकारा दे, दुष्ट की चालों से छुटकारा दे प्रभु, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता, विशेषकर जो कमेंट्स कर रहे खुदा, यीशु मसीह आप उन्हें ब्लेस करें, उनके निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं पिता, ये आपके बेटे बेटियां, आपसे प्रेम करने वाले, आप पर विश्वास करने वाले लोग हैं खुदा, इनके जीवन में आप इनके प्रेयर्स का आंसर करें खुदा, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल प्यारे यीशु आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन, आमीन और आमीन।